Hello, my dear friends. My name is Shuzuka. You have seen me on your television many times. Today, I am going to tell you a story. This is the first part of our second term story. Hello, Shuzuka. Oh, hello, Doraemon. Why are you sounding dull today? आज कुछ सैड सैड लग रहे हो। यस शुजुका, टुडे आई एम सैड। व्हाई? यू नो, नोबिता ऑलवेज टेक्स माय गैजेट्स बाय सेइंग वेरी स्वीट स्वीट वर्ड्स टू मी एंड नेवर रिटर्न ऑन टाइम। वो हमेशा ऐसा ही करता है, बहुत ही मीठी मीठी बातें बोलता है और मुझसे कोई ना कोई गैजेट ले ही जाता है। ओ, फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग? व्हाट इज फ्लैटरिंग? ओ, यू डोंट नो व्हाट डज इट मीन? आई टेल यू, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू अ स्टोरी व्हिच इज अबाउट द क्लेवर फोक्स हु flattered the crow and took his food. Hey, you are going to tell a story? Wow, I also want to listen. Okay, let's start. Firstly, I will tell you in Hindi, then afterwards in English. Okay? हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा। एक बार एक कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था। उसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। तभी एक लोमड़ी उस पेड़ के नीचे आई। उसने जैसे ही देखा कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा है, तो उसने बहुत ही भोला सा चेहरा बनाया और बोली, अरे वाह कौवे भैया, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारा रंग कितना सुंदर है और तुम्हारी आवाज कितनी सुंदर होगी। मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बहुत बेचैन हूं। क्या तुम मुझे एक गाना सुना सकते हो? मैं भी तो देखूं तुम गाते हुए कितने सुंदर लगते हो। कौवा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और जैसे ही उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया। काव काव। लोमड़ी ने जल्दी से रोटी उठाई और भाग गई। कौवा बेचारा मुंह ताकता रह गया। तो कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि चापलूसों से सावधान। So let's start this story in English now. Today our story is The Fox and the Crow. Once a crow was sitting on a tree. It had a piece of cheese in its beak. A fox came under the tree. He said, "Dear crow, you are very beautiful. Your voice is very sweet. Please sing me a song today." The foolish crow opened its beak. The piece of cheese fell down. The clever fox picked it up and walked away. Moral of the story is, beware of flatterers. I hope you enjoyed it. From next video, we will start revision. Okay, bye.